गोंगुल सुई कर क्रा युस कर गोंगुल सुई कर क्रा नाजरीन किराम वे सिविल सेक्रेट श्रीनगर अंदर मौजूद इस जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड तरफ चौवह पंच खतर प्री बजट बोर्ड मीटिंग मुनद सपदन वाजिन यहां चीफ सेक्रेटरी अटुल डोलू साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार मेहमान खसूसी बतौर शामिल रोजन तो अमे किसान बोर्ड आला अहदेदार सत सबरान तौजूद तो यमो क्या ग्रीवेंस कर अत मौक पेश वलि वो तो तु रूज वा प्रोग्राम इस कर गोंगुल सु कर क्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शालेंद्र कुमार कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म यशा मुदगल सेक्रेटरी टेक्निकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जी ए सोफी फाइनेंस डिपार्टमेंट के आला अफसरानों ते एग्रीकल्चर शोब के ब्यून ब्यून हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स अलावा ऑनलाइन मोड जरिए मेंबरों ते अफसरों शिरकत मीटिंग सदारत कर जम्मू कश्मीर चीफ सेक्रेटरी अटल टुलवन तो मेजबानी हिंद फरज दित अंजाम सेक्रेटरी जे एंड के एडवाइजरी बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ किसान अब्दुल हमीद वानियन Express his drudgeries, day-to-day drudgeries, because it is a non-statutory body, and people are among the farming community. They have a great access with the farmers, and I think they are the people who can give the better feedback to the government for deciding their prospective planning, sir. We are very good people have been chosen among the farming community, and sir, my submission as secretary of the board is that this board needs to be strengthened and taken into confidence by the HODs, by the administration in every district level, block level, and sir, it is my privilege that under your dynamic leadership, a program is being run by board. You stay humble, sweet and calm. Nothing succeeds like success. And success stories are being made in coordination with Doordarshan Kendra Srinagar. It has a very large viewership, sir. गवर्नमेंट किन स्कीमन ते इतलाकस मुतलिक दिच मुफस्सल जान प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट शालेंद्र कुमारन आज ये बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है और मेरी तजवीज है कि एक कर सकते हैं ये कि जो पिछली प्री बजट डिस्कशन हुई थी उसमें एक बार फिर से रिविजिट कर लें कि कहाँ और कुछ करने की गुंजाइश है और करीब करीब सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं कुछ में काफ़ी बेहतर किया गया है और जो हम लोगों ने एक बोर्ड मीटिंग करी थी मेरे ज्वाइन करने के बाद उसमें भी कुछ पॉइंट उठाए गए थे तो उसको भी हम लोग एक नज़र डाल लेते और उसके बाद फिर इस बजट के ऊपर क्या क्या नई चीज़ों के ऊपर बोर्ड तवज्जो दिलाना चाहता है मुलाकात होती रही है आपकी बातें बड़े गौर से और बड़े सीरियसनेस से ली जाती हैं हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब लोग कलेक्टिव तरीके से एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें और वो ऑब्जेक्टिव है कि किसान की आमदनी बेहतर हो उसको अपने पैदावार का रिटर्न अच्छा मिले उसको जिस समय इरिगेशन का टाइम आता है इरिगेशन मिले उसको जिस समय बीज और खाद क्वालिटी के बीज और खाद उसको मिले वो उसको टाइम से मिल जाए और जब हार्वेस्ट हो जाती है तो मार्केट तक पहुंचने में जो पहले दिक्कत आती थी वो दिक्कत ना आए जैसे इस साल ई नाम पर हमारे बहुत सारे फार्मर जुड़े और मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि 13 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बिजनेस होता था वो 400 करोड़ से ऊपर चला गया है एक साल में तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम 4000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा चले गए हैं 4000 स्क्वायर मीटर का मतलब हुआ
कि 4 किलोमीटर का ऐसा हमारा खेती बाड़ी का एरिया है जो पोली हाउस में है। जैसे मैं स्टडी कर रहा था कि अगर हम पैडी की खेती करते हैं तो रफली हर साल में रिटर्न। तो सीधे ही आपको इन्हीं से रूबरू कराते हैं जी। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, हम आपसे जानना चाहेंगे आज ये बजट मीटिंग मुनाकिद हुई यहाँ पे, तो आपने कौन कौन सी चीजें प्रिंसिपल सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के सामने रखी? देखिए कि हमने आज बड़े खुशी का मुकाम है कि हमारी सरकार ने हमें यहाँ पे बुलाया है और ये बात बताने के लिए कि भाई किस तरह हम फ्लोरिकल्चर खेते को प्रमोट कर सकते हैं और जो बजट बनने जा रहा है बड़ा एक इनकरेजिंग बजट है, उस बजट में क्या क्या हमारी तजवीज़ें रहेंगी। आदरणीय डुल्लू साहब भी आज यहाँ पे थे और सुंदर कुमार जी और एक बहुत बड़ा फोरम ने आमने सामने जो हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर और बहुत सारे लोगों को आमने सामने ला के ये बात यहाँ पे की गई। हम ये चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है वो एवेन्यूज़ जो क्रिएट कर रही है और एक गोल्डन टाइम हमारे लिए चल रहा है कि HADP का चल रहा है, उस HADP में जो हमारी तजवीज़ थी कि हमने बताया कि फ्लोरिकल्चर खिते को प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ों को प्रमोशन के लिए कुछ कास्ट नॉर्म बढ़ाने की हमने बात की, एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ जो हमारा एग्जॉटिक वेजिटेबल यहाँ पे ग्रो हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में उसके बारे में आज यहाँ पे बात की गई। उसके साथ साथ हमने ये बताया कि हमारे यूथ को आगे लाने के लिए इंटरेस्ट सबमिशन हम अपने सरकार में बनाएं और हम ये चाहें कि हमारे यहाँ पे बागवानी खिता, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर और जम्मू की बासमति को प्रमोट करने के लिए एक बासमति का स्पेशल मिशन लागू किया जाए, उसके बारे में हमने आज यहाँ पे बातें की हैं। तो बजट मीटिंग में जो तजवीज़ आपने पेश की, आपको लगता है फ्लोरिकल्चर सेक्टर उससे फल फूल सकता है? देखिए वो तो उसलिए तो हम जम्मू से कश्मीर यहाँ पे आए हैं कि तजवीज़ देंगे उस फ्लोरिकल्चर खिते में। अगर आप देखिए, अगर हमारे पास पोटेंशियल है, वर्ल्ड में एक हमारा ब्रांड है, तो वो क्यों नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे कि फ्लोरिकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फ्लोरिकल्चर से पैदा कर सके, उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे आज। तो हमें लगता है कि अगर सरकार सही पॉलिसी बनाएगी तो हमारा फ्लोरिकल्चर खिता ज़रूर प्रमोट होगा। मैं किश्तवाड़ से नज़ीर अहमद किचलू, यहाँ बड़ी खुशी की बात है, खुशी का मुकाम है कि यहाँ पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए हुए थे, उनके साथ हमारी मीटिंग थी, हमें कल उन्हें बुलाया था आज और कल के लिए। तो हमारा वहाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जोर मेरा रहा वो मैंने चीफ सेक्रेटर साहब को बताया कि हमें जो जिस तरह यहाँ पे इन्होंने पांपोर में केसर के लिए जो लेबॉरेटरी यहाँ पे खोली हुई है पैकिंग वगैरह के लिए और उसके लिए पैकिंग वगैरह के लिए, तो हमें भी किश्तवाड़ में ऐसी एक लेबॉरेटरी दी जाए जहाँ पर हम ग्रेडिंग और पैकिंग और जियोटेक वगैरह वहाँ पर केसर का कर सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा और अच्छी टाइप का केसर हमारे किश्तवाड़ में बनता है। दूसरी तरफ से जो HADP वगैरह जो उन्हें दे दिया हॉर्टिकल्चर में, बहुत ही ज़बरदस्त काम उसका, जो हमारे ठाठरी में कुछ वो आर्चर लग गए हैं, किश्तवाड़ में लग गए हैं, हमारे राजौरी पुंछ में वो आर्चर लगे, कश्मीर में तो ऑलरेडी हैं ही वो HADP के, वो M9, ML1111, M7, M6 वो जो एप्पल आर्चर लग रहे हैं, हाई डेनेस्टी के जो इटली वगैरह से वो आए हैं प्लांट्स वगैरह, मैंने भी वो हमारे किश्तवाड़ में भी वो आर्चर लगे हैं, जिसमें तकरीबन मेरा जो पर्सनली मैंने जो देखा कि मेरा एक आर्चर 2 कनाल पर मुश्तमिल है और लास्ट ईयर मैंने 2 कनाल में 2 लाख के प्लांट वो जो से एप्पल उसमें बेचा है, तो बहुत ही जबर। और उसमें सबसे बड़ी बात, इस गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी रनिंग गवर्नमेंट है इसकी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त इमदाद जो फराहम की जा रही है फार्मर्स को, इतना बेनिफिट कभी हमने नहीं देखा था। आपका आर्चर जो लग रहा है उसमें 50% सब्सिडी, कोई छोटी बात नहीं है। मैं कुलभूषण खजूरिया, गांव मेरा सुहांजना है और ज़िला जम्मू है। पहले तो मैं इस मीटिंग के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि कभी ऐसा दौर था कि जब प्री बजट डिस्कशन जो होती थी तो वो उन व्यवसायों को पूछा जाता था जो पहले से ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, फार्मिंग कम्युनिटी को नहीं पूछा जाता था। लेकिन ये दौर भी देखने को आया कि आज कम से कम जो हम ब्रिज हैं किसानों और सरकार के बीच में, हमारी सलाह ली जा रही है, हमें एडवाइस करने का मौका मिला है कि हम किसानों के लिए यहाँ क्या पक्ष रख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं अपने वहाँ पे, तो वो हमने रखी है बातें यहाँ पे। एक तो डेयरी सेक्टर के लिए कैसे उसकी और इम्प्रूवमेंट हो सकती है जम्मू व कश्मीर UT में, क्योंकि हमारी स्टेट जो UT थी, जब स्टेट थी तो तब हम मिल्क प्रोडक्शन में डेफिसिट थे, बट आज सफिशेंट हो गए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से, जो स्कीम्स नई आई हैं उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं वो मैंने अपना पक्ष रखा है, उसमें बहुत सारे सुधार मैंने बात करी है, लंबा हो जाएगा। साथ ही साथ हमारी इरिगेशन की हर बोर्ड मेंबर ने, क्योंकि बैकबोन ऑफ द एग्रीकल्चर जो इरिगेशन होती है
उसके लिए हर बोर्ड मेंबर ने कहा कि इरिगेशन का कोई कंप्रहेंसिव प्लान J&K यूटी का बने, जो बड़ा पैकेज आए भारत सरकार से, ताकि हमारी जो डिफंक्ट पड़ी हैं, आपने देखा होगा रोड वाइडनिंग हो रही हैं या कुछ बहुत सारी रोड्स का काम हो रहा, बट जो नहरें हैं वो उनको सूखने के लिए छोड़ दिया गया है, उनकी कोई वाइडनिंग नहीं हो रही ना उनकी कोई अच्छी तरह से मेंट। हम कहते हैं कोई बड़ी कंपनी आए जो पूरा एक प्लान बनाए कितना पैसा चाहिए, और उसको एक बहुत बड़ा जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर में अगर हमारा एरिया जो है 24% जो है वो बहुत पुराना है कि इतना इरिगेटेड है और इतना अनइरिगेटेड है, उसको कैसे बढ़ाएं। मे सौजूद इर्शाद साहब यमजन जिला पुलवाम पठ आमित तो किसान बोर्ड मेंबर यमन सी करो का जानच कोशिश करो कि यथ मीटिंग मं क्या तजवीज कर यमो पेश सारे खुद गो करो तुंद खैर मकदम यो तह जान कि आज क्या तजवीज करव तय पेश ये बजट मीटिंग मे तुंद शुक्र गुजार कि आज बोर्ड मीटिंग अत मज बजट डिस्कशन पॉइंट्स ब्रोट कन चीफ सेक्रेटरी सोबस या कमिश्नर सेक्रेटरी उस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गडनिच प्रोडक्शन कि वनकन जून जुलाई सब्जी मन से वन सरप्लस प्रोडक्शन गुतज यानी कि सब्जी से नेरान तो मगर अम सात मार्केट डाउन ग बिल्कुल थो मे यह पॉइंट कि अस ग वैल्यू एडिशन गसन आसन तिथि यूनिट गसन पेन डिस्ट्रिक्टन मज वैल्यू एडिशन इन क्रॉपन गसि ताकि जन यह क्रॉप कीमत हर जमींदार असल पोस टुक तेमिस सु गसनी परेशान कि यथ मार्केट या कीमत गो सब्जी वसित सु टेंशन रोजि तेमिस किहिं क्या यम सात निशन मौजूद आसन वैल्यू एडिशन सेंटर्स या कैनिंग सेंटर्स इमो चीज सत गसि सानिस इनकमस पोचर दिन कथ वे यह चीज कि यम जन उस क्रॉपस डिजीज लजि इम डिजीज कित लजि कित आए तो अत पे पज बड़े गौर खोज कर चीफ सेक्रेटरी सोब या कमिश्नर सोबन पूरा आश्वासन कि स्कॉस्ट पे टीम तम कर अमी जांच पताल कि डिजीज कित आए तो अस कित बचो यमो डिजीज नशन तमो दूत पूरा अम सावन त्रम कथ जन ब्या कशीर शी फार्मिंग या डेरी फार्मिंग गत मज कित करो बढ़ाओ ताकि जन सोन पर्म लिखम यूथ अमिस ग सब्सिडी रेटस पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट प्रोवाइड गसन खासकर शिप अगर कथ तो शिपस मजा ज्यादा जॉब स्कोप अकिस शी फार्मिंग मजस यूथस खुद तो तम खोनो कि अमे खुद थो मकूल बजट अगर सपोज बजट 10 लाख रुपये यह करो एनहेंस बढ़ाओ अमे खुद बजट ताकि जन सोन नौजवान भरपूर फायदे। मेरे साथ मौजूद है हिंदभूषण जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा से आए हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी आपका इस्तकबाल है, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आप भी यहाँ पर मौजूद थे तो क्या तजवीज़ आपने पेश की। शुक्रिया मैडम जी, आज जो ये यहाँ पर प्रोग्राम श्रीनगर में किया गया है ये हमारे किसानों के लिए एक बड़ा मकाम की बात है कि जो चीज़ें हमारे किसान जो पहले नहीं होता था तो आज ये जो प्रोग्राम किए जाते हैं इसमें हमारे जितने भी किसान हैं वो काफ़ी अवेयरनेस होते हैं, और ख़ास करके जो किसान बोर्ड के मेंबर हैं तो ये एक गवर्नमेंट और किसानों के बीच में एक पुल का काम करते हैं, और साथ में जो भी मीटिंग में यहाँ पर डिसाइड होता है तो हम अपने किसानों तक ये चीज़ें पहुँचाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की क्या स्कीमें चल रही हैं, और हम अपने फार्मरों तक ये पहुंचाते हैं, और हमारे जितने भी फार्मर हैं नौजवान फार्मर हैं पढ़े लिखे हैं, आजकल बेरोज़गारी ज़्यादा है तो वो जो हम अपने पढ़े लिखे नौजवानों को ये चीज़ें बताते हैं तो वो आज इस काम में जिम्मेदारी के काम में वो काम कर रहे हैं, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट डोडा का फ्लोरिकल्चर और लेवेंडर का काफ़ी काम बढ़ गया है, और इसमें हमारे फार्मर काफ़ी इसमें रोज़गार कमा रहे हैं, ख़ास करके हमारी जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर महिलाएं जो बहुत काम कर रही हैं, और इससे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इसमें सहयोग दिया है, और इसकी जो फार्मरों की इनकम है वो भी डबल हो गई है, और इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरा नाम फैज़ अहमद बेग, गनसन सुंबल डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से रोजान, इस प्रोग्राम सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर ये वनस HADP HADP मकसद ये हर घर वनस वातस अकिस आम कमिल बोस तानी सारे खत गरीब तबकस मन रोजान, चाहे अस वनस एग्रीकल्चर रिलेटेड कथ कर हार्टिकल्चर रिलेटेड कथ कर सीरीकल्चर रिलेटेड कथ कर फलोलिकल्चर रिलेटेड कथ कर, इस वनक
ونکس اخ لو کاسٹ ہائی ٹیک بنانا یت مز پن اخ زمیندار کمیل بوائے اخ سیڈ کر تیار اس مارچس مجھ ریڈی آسان فار یہ ٹرانسپلانٹ کر اوپنس مزہ لاگان تر مجھ سے الویول وانگن بیول لر تس سو بروکلی ایگزاٹک لٹو کیبیج ریڈ کیبیج چینیج کیبیج یم تہ ونکس ایگزاٹک فارن کنٹرین پہ فائیو سٹار ہوٹل مجھ امک مقصد ونکس ایچ آئی ڈی پی یس مجھ تم ویجٹیبلس ایگزاٹ کیا امک ویلیو ہائی حض مارکیٹس مزے اگر زانو فلو کالی فلاور ریٹ ونکس مارکیٹس مجھ ژتجی روپیے اگر تر ریلیٹڈ وچو بروکولی بروکولی ونکس ہاتھ روپیے ام سی سنگ اس ونکس وزیر اعظم ونکس ونان کسان سن آمدنی گھس دگنی گھن یہ کوشش ونکس سن یا کسان بورڈ یہ کوشش کر تم تم سٹیپ تلن کی اکثر کمیل بوائے سون دہ کھو دہ کمزور گا یا ام سن آمدنی گھس ونکس دگن گھن اتھے کنس ونکس یہ کولڈ سٹور بن یت مزہ ونکس پیداوار چاہے ٹونٹ یا گلاس نیا نا امچ ویلیو یل پگہ امس ضرورت آسان ویلیو ایڈیشن کر وندس مس مارکیٹ آف سیزن اس منافع آج 30 روپیہ تمہیں پگہ ڈبل ملان تمہیں 60 روپیہ یم مقصد ونکس یہ کی سون کمیل بوائے یہ گھس دہ کھو دہ ترقی یا دنیا مز کر اگر اس ونکس وچان چاہے کھین رنگ یا کتابوں پڑھائی رنگ یا کن تنگ ونکس یا بجلی پاور پاور رنگ ونکس ہر کن چیز تیل وچو ہر کن ونکس ڈبل ریٹ گھن کسان بوائے دہ کھو دہ گھان کمزور اگر تھی ونکس وچو مارکیٹس مجھے ریٹ اخ لر کلو وہ روپیے گھان یہ وچو تھی 2014 مجھ تہ یہ وہ روپیے گھان اگر ات برعکس وچو تھی ونکس کٹ ماز کلو ساڑھ شیت گھان اتھے کن ونکس پنس گورنر صوبس یا کنس تہ پنس ہائر اتھارٹی یا یہ گزارش کر ات پہ امچ ریٹ گھان دہ کھو دہ ہائی ات کن گھس اکس زمیندار سی ریٹ تہ گھن سبزی اسہ چھ بیاکھ اخ نفر موجود یم زن ڈسٹرک رامبن پہ آمت یم تہ بورڈ ممبر تو یمن ستی کرو کت ساروی کھت گۄڈنیتھ کرو تہند خیر مقدم تہ نش یژھو زانن آز بجٹ میٹنگ تو کیا تجویز رت تھو تہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے یہ بڑ زبردست کام کرن یہ ہر گھر تک پہنچتا ہے مثلا تو وچھو اینیمل ہسبینڈری تم چھ گاو دیوان وہ اچھی طرح سے سبسڈی بھی دیتے ہیں لیکن اس یہ کیا ونان ہارٹی کلچر جو ہے وہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہے ونکس ساروی باغ لگ مگر وجہ چھ اکوئی چیز جو ہمارا ایریا بنیحال کا ایریا ہے یہ ہلی ایریا مگر اتھ اک پرابلم اخ تقریباً ونکس ز پانچ ساس کنال ونکس بید بیکار سہ گو یہ وجہ کہ لکھ کھوژان تر زمینس مز گھنس وجہ چھ یہ کہ وہاں پر بالو آتے ہیں یمن تس ہاپت ون تم ہاپت ون وارے مز تہ گھن وارے مز واتن ات پہ پہ گورمنٹس کھان نت کھان سٹیپ تلن تو تاز لکھ تہ گھن بچن تو جنگلی جانور تہ گھن بچن اور لکن گھس پروڈکشن تہ بن تو جنگلی جانورن تہ گھن یہ محفوظ روزن جموں کشمیر ایڈوائزری بورڈ فار ڈیولپمنٹ آف کسان چہ میٹنگ کے پتہ اس سیت خیال باوت کران وون بورڈک سیکرٹری عبدالحمید وانین اس زی بورڈ کین نامنیٹڈ ممبرانن ہندین مشورن ہنز افادیت کیا چھ تہ سکیمن ہنز عمل آوری متعلق کم اقدامات چھ تلن یوان میں یہ شکریہ کرتا ہوں ایک بار پھر آج کی یہ میٹنگ بہت ہی کسانوں کے لیے ایک اچھی فروٹفل میٹنگ رہی اور جو سیریسنیس ہمیں آج لگ رہی ہے جے اینڈ کے گورنمنٹ میں جو ایک نیا چینج ایک نیا ڈریم سوچا جا رہا ہے اس یو ٹی کے لیے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے اچھے نتائج آ رہے ہیں ایک اچھا رزلٹس آ رہے ہیں کسان خوش ہے کسان کو اچھا مارکیٹ مل رہا ہے اسپیشلی ہمارا ہارٹیکلچر تو یہاں بالکل اس وقت ریولوشن ہے ہارٹیکلچر میں پہلے ہمارا فروٹ نومبر میں تیار ہوتا تھا اب تو آج ہی جولائی کے اینڈنگ میں ہمارا فروٹ ریڈی رہے ہوگا جو ہماری ہائی ڈائنیسٹی میں گالا ایپل ہے اور پھر کسانوں نے ان میں انٹر کراپنگ کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایپل جب ان کی ہارویسٹ ہو جائے گا اگست مہینے میں ختم ہوگا یہ جو ہائی ڈائنیسٹی کا اب وہ انٹر کراپنگ وہاں کر رہے ہیں اسی میں تو اس سے یہ ہے کہ پورا کسان
उसी लैंड को दोबारा यूटिलाइज करके दूसरे क्रॉप लगाने के हित में लगा है। तो इसे पता चलता है कि हमारा जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम था कि हमारी इनकम 2022 में इट वाज कि डबल कर रही है, आज हमें लग रहा है यहाँ 5 times फोल्ड हुआ है। होने वाला नहीं है, ऑलरेडी हुआ है जो हम देख रहे हैं फील्डों में जाके। तो मैं शुक्रिया करता हूँ दोबारा दूरदर्शन के अंदर श्रीनगर का, आपका हमें साथ रहना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं आप जो हमारी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, ये लोगों तक पहुँचें और हमारी आपकी जो ये चैनल है इसकी व्यूअरशिप बढ़े। गाँवों में अच्छी इसकी व्यूअरशिप है। लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप दूरदर्शन को फॉलो कर दो करो। यूट्यूब पर हमारी ये सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अपनी सक्सेस स्टोरीज बनाई है, वो भी इनके डैशबोर्ड पर अवेलेबल है। उनको देखो, यूट्यूब को फॉलो करो, दूरदर्शन को देखो। हमारा एक अच्छा प्रोग्राम यूस्कर गूंगल स्वीकर क्राव चल रहा है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ये 2 साल से बोर्ड बना रहा है। तो ये शाम 7:30 हर संडे को नशर होता है, तो लोग देखें, उसमें आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी स्कीम्स हैं और क्या प्रोसीजर्स हैं, लोग कहाँ पहुँचे हैं, उनको इंस्पायर मिलेगा। मैं जवानों को अपील करता हूँ, आप देखो उन प्रोग्राम्स को और देखो आपके भाई कहाँ पहुँचे हैं और आपको आने की ज़रूरत है, आप आ जाओ। और आज ट्रांसपेरेंसी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस है। कोई सिफारिश नहीं है, कोई ये नहीं है, जिसने पहले अप्लाई किया ऑनलाइन क्यू में रहेगा, पहले नंबर को पहला मिलेगा अकॉर्डिंगली। अगर किसने लास्ट में मिलेगा, इस साल उसको नहीं मिलेगी सब्सिडी, वो दूसरे साल में चला जाएगा, उसको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सपोज़ यही 30,000 एप्लीकेशन आई है हमें अप्रैल में, आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बोला कोई किसी पर्टिकुलर स्कीमों के लिए, तो ये नेसेसरी नहीं है कि पूरा 30,000 इसी साल को हम देंगे वो स्कीमों का फ़ायदा, उनको सब्सिडी देंगे, नहीं। अगर इस साल 2,000 का मिला, 3,000 का मिला या 10,000 का मिला, दूसरे साल ये चला जाएगा अकॉर्डिंगली, वो नंबर उस युवा का रहेगा, उस फार्मर का रहेगा, और उसको उस साल जो दूसरे साल में ही विल बी द फर्स्ट नंबर वहाँ उस वक्त जो उस वक्त वहाँ उस साल में जो अप्लाई करेंगे वो उसके पीछे चलेंगे। ये ऐसा ही चलेगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। और बिल्कुल आपको अगर कहीं लेक्यूनाज हैं एप्लीकेशन में, कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, आज आपने सुना है गवर्नमेंट ने वो चैट बॉट भी एक जैसे व्हाट्सएप टाइप एक सॉफ्टवेयर लगाया है, तो उस पर आप अपना सुलझाव दे सकते हो गवर्नमेंट को, आप सजेशंस दे सकते हो और आप उस पर अपना पूछ सकते हो कि मेरी एप्लीकेशन नंबर ये है, ये कहाँ पहुँचे, तुरंत आपको जवाब मिलेगा और बिल्कुल विद इन सेकेंड्स। इसी तरह हमारा किसान संपर्क अभियान चल रहा है, उसका 3rd phase अब स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी ये अवेयरनेस स्कीम उसकी मुतारिफ की जाएगी, लोगों तक घर घर जा रहे हैं, गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस। बस मगर ये एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, आप लोगों को भी सामने आना है, आप लोगों को देखना है कि अगर ये किसी पर्टिकुलर मीडिया चैनल के पास हम, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर एक मीडिया न्यूज़ चैनल या किसी भी को हम रोप इन करेंगे, उनको बोलेंगे ये चलाओ। दूरदर्शन को हमने पहले इनको रोप इन किया, उनके रिक्वेस्ट से हम उनको बोलते हैं कि इन जो भी हमारी स्कीम्स हैं इनका मुतारिफ करो, और वो चलाते हैं। थर्सडे को चलता है, वेनसडे को चलता है, सैटरडे को चलता है, संडे को चलता है। तो लोगों को मैं अपील करता हूँ, इनको देखो, दूरदर्शन को फॉलो करो और देखो गवर्नमेंट के पास क्या है। इस जन प्रोग्राम जम्मू कश्मीर किसान एडवाइजरी बोर्ड दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के वसादत पेश सपदान युक मुदा मकसद यह वो तह तान तम नफर जानकारी यमो सरकारी स्कीमन इंतखब कर् तो रोजगार हासिल कर् उम्मीद कि तुम तो तुलो इन सरकारी स्कीमन फायदे तो सपदि मुस्तफीद दीव सारे इजाजत बिहु खुदाय हवाल।
डीडी कशिर एहसास कश्मीर 605।